जहां प्रदेश के कई जिलों में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं जनपद गोंडा इससे अछूता नहीं रहा। इस महीने सरकारी आंकड़ों में 2423 मामले वायरल फीवर के मिले हैं। बच्चों की संख्या इनमें 824 बताई जा रही है, वहीं बड़ों की संख्या 1598 पहुंच गई है। डेंगू के मामले बढ़कर 10 हो चुके हैं। वायरल और डेंगू के लेकर क्या स्थिति है आपके हॉस्पिटल में? वायरल फीवर तो खैर इस सीजन में बढ़ता है, लेकिन कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है। जैसे पर डे जो हम लोग जो पेशेंट्स आते हैं आउटडोर में देखने में, वो 100 के आसपास ही रहते हैं। आज की भी जैसे 93 पेशेंट कुल आए, और जहाँ तक भर्ती रहने वाले मरीजों की हैं तो 5 बच्चे सिर्फ पीडियाट्रिक वार्ड में हैं और 6 पेशेंट मेडिसिन वार्ड में हैं। मतलब कुल मिला के 10 मरीज हैं जो बुखार से पीड़ित हैं। तो ऐसी कोई अलार्मिंग कंडीशन नहीं है जिसमें हम कहें कि बुखार। क्या-क्या तैयारियां की गई हैं जिससे आने वाले समय बढ़ता है कुछ? आने वाले में एक वार्ड हम रिजर्व कर रखे हैं, मच्छरदानी सहित 10 बेड डेंगू वार्ड डिक्लेयर कर दिया है। पहले भी था तो उसी को डिक्लेयर कर दिया है। आज की डेट में कोई हमारे पास डेंगू के पेशेंट्स नहीं हैं। जहाँ तक ज़िले की सवाल है, ज़िले में भी कोई डेंगू के पेशेंट्स इस समय एक्टिव नहीं है। 13 पेशेंट्स आज तक कुल पॉजिटिव पाए गए जनवरी से लेकर अब तक। कोई मृत्यु वगैरह वायरल फीवर नहीं, वायरल फीवर से भी कोई डेथ नहीं हुई और न डेंगू या किसी भी संक्रामक बीमारी से कोई इधर डेथ नहीं हुई। डायरिया और निमोनिया से इसमें क्या? डायरिया का तो सीजन होता है इस, आमतौर पे जब गर्मी ख़त्म हो रही होती है, बरसात ख़त्म हो रही होती है। वो भी करीब 4 बच्चे हैं इस समय डायरिया के भर्ती हैं, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। लगभग सब ठीक चल रहे हैं और ठीक हो जा रहे हैं। पंडित कृपाल में बने सीएससी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार मौर्य का कहना है कि वायरल फीवर के मामले सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और कितने डेंगू के केस हैं सर? अगर पिछले इसी महीने के पिछली 1 तारीख से लेकर के अब तक की बात करी जाए तो लगभग 65 फीवर के मरीज, जो जिसमें ले बच्चे भी शामिल हैं, 15 साल से कम के भी और 15 साल के ऊपर के भी, उन सबको हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमारे लैब में टेस्टिंग होती है, जो डेंगू की, टाइफाइड की, मलेरिया की और अदर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें किसी भी केस में कोई डेंगू रिपोर्टेड नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिंपल वायरल फीवर में दिया जाता है, हफ्ते भर के अंदर वो रिकवरी कर जाता है। साथ साथ हम लोग कोविड का टेस्ट भी करा रहे हैं हमेशा से, जब से शुरू है तब से अब तक बंद नहीं हुआ है, तो उसमें भी निगेटिव आ रहा है। तो एक प्लस पॉइंट ये है कि कोविड भी निगेटिव है और हमारे यहाँ अभी तक कोई डेंगू पॉजिटिव नहीं मिला है। और एडमिशन का इशू नहीं आता है, बहुत रेयरली आता है, तो उसको उस समय के लिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए तब तक के लिए उसको भर्ती रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं ओरल मेडिकेशन पे। ये लगभग 6 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। वायरल फीवर से अभी यहाँ किसी की डेथ हुई है? नहीं, अभी तक कहीं नहीं हुई। जिला अस्पताल के CNS डॉक्टर घनश्याम सिंह का कहना है कि वायरल फीवर के मामले नियंत्रण में है और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह बेहतर इलाज कर रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम केसरी का भी कहना है कि बढ़ते वायरल फीवर के मामले को देखते हुए सभी CHC और PHC में आए हुए बुखार के मरीजों की टेस्टिंग की जा रही है। CBC टेस्टिंग होती है और उसी के अनुसार उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। जिस तरह से जनपद गोंडा में वायरल फीवर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे में भी चिंताएँ बढ़ती जा रही हैं। वायरल फीवर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा किस तरह की तैयारी की है और किस तरह से सर रिपोर्टिंग कर रहा है? बुखार के कुछ केसेस बढ़े जरूर हैं, लेकिन इतना नहीं कि चिंताजनक है। और इस महीने अब तक 881 बच्चों में, इनकी उम्र 15 साल से कम है, बुखार का लक्षण देखने को मिला, तथा 1725 बड़े लोगों में बुखार के लक्षण आए। इन बुखारों में ज़्यादातर सामान्य बुखार हैं और 3 से 5 दिन में ये बुखार अपने से ठीक होने वाले हैं। बाकी जहाँ तक विशेष बुखारों का सवाल है, हम लोगों ने जांच के दौरान डेंगू के 10 केसेस तथा चिकनगुनिया के 1 केस और JE और AES के कोई भी केस यहाँ नहीं मिले हैं।
16 CSU में किस तरह की सुविधाएं रखी गई हैं वायरल फीवर को लेकर? सारे PSU पर फीवर क्लिनिक की स्थापना की गई है, जिसमें बुखार का मरीज जाता है और जाने पर उसकी जांच, उसका परीक्षण किया जाता है, फिर जांच उसको लिखी जाती है, जांच में खून के जांच होते हैं जिसको हम लोग सामान्य भाषा में CBC कहते हैं, और उसके आधार पर ये तय करते हैं कि किस लाइन पे पर हमें बुखार के इलाज के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा जहाँ भी शंका होती है, जिस तरह का शंका होता है, उस तरह के कार्ड टेस्ट होते हैं। कार्ड में डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए तथा चिकनगुनिया के लिए हम लोग कार्ड टेस्ट कर लेते हैं।